हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड परीक्षा स्थगित हो गया है, यानी कि बोर्ड परीक्षा को पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। जो आपका बोर्ड एग्जाम 8 मई से होने वाला था, उसे 20 मई तक सरकार द्वारा पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। यानी कि 20 मई को ही फैसला आएगा कि आपका बोर्ड एग्जाम कब होगा, नया वाला टाइम टेबल कब जारी होगा, ये सब 20 मई को ही फैसला किया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट सोच रहे हैं कि 2 से 3 बार बोर्ड परीक्षा को पोस्टपोन्ड किया गया, तो आखिरकार हमें अब करना क्या चाहिए? बोर्ड परीक्षा स्थगित हो गया है, अब क्या करें? ठीक है, देखिए, मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं। एक मोटिवेशनल वीडियो है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे कमेंट करते हैं। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि स्थगित नहीं होना चाहिए था, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि कैंसिल हो जाना चाहिए, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि 8 मई से ही बोर्ड परीक्षा होनी चाहिए। तो आखिर हमारा क्या कहना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। देखिए स्टूडेंट, जो आपका बोर्ड परीक्षा है वो पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन जो आपके सपने हैं, जो आपका लक्ष्य है, टारगेट, ठीक है, वो स्थगित नहीं हुआ है, यानी कि वो पोस्टपोन नहीं हुआ है। वो आपका वही है जो बच्चा सोच रहा था मैं 90% लेकर आऊंगा, जो बच्चा सोच रहा था मैं 85 लेकर आऊंगा, उसका लक्ष्य वही है, ठीक है, वो पोस्टपोन नहीं हुआ है। तो आप अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें, यानी कि जो अपनी पढ़ाई है, ठीक है, मैं पहली बात यही कहना चाहूंगा कि पढ़ाई को कंटिन्यूअस बनाए रखें, ठीक है, कंटिन्यूअस, ठीक है, बनाए रखें, ठीक है, यानी कि जो आपकी पढ़ाई है उसको आप पीछे ना होने दें, आप उसको और आगे बढ़ाएं। देखिए, आपके पास समय है, आपके पास अभी तक कम समय था, लेकिन अब और भी समय आ चुका है। आपका अगर लक्ष्य था 85%, तो आप अपने लक्ष्य को बढ़ाकर 90% कर लीजिए कि हमें इतना मार्क लाना है, ठीक है। भले ही परीक्षा आपका पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन आपका समय भी उतना बढ़ चुका है, आप अपने लक्ष्य तक आसानी से और अच्छे से पहुंच सकते हैं, ठीक है। जो आपके पास समय आ चुका है, उसमें आप अच्छी से अच्छी तैयारी करके आप अपने लक्ष्य से भी ज्यादा मार्क ला सकते हैं। तो मैं पहली बात यही कहूंगा कि पढ़ाई को कंटिन्यूअस बनाए रखें। देखिए, ये हमारे बस में नहीं है कि हम कोरोना वायरस को रोक देंगे, ठीक है, क्योंकि COVID-19 सभी को हो सकता है, स्टूडेंट्स को भी हो सकता है, तो जिंदगी से बड़ी, लाइफ से बड़ी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, जब आपका एग्जाम होगा तब आप दीजिएगा, लेकिन अपनी पढ़ाई को लगातार बनाए रखिए, ताकि जो आपका टारगेट था आप उससे भी ऊपर कुछ प्राप्त कर सकें, ठीक है। अब देखिए, मैं एक बात कहूंगा, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मैं यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़िए, सभी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि स्टूडेंट, जो आपका समय है, ठीक है, जो आपके पास 22 से 23 दिन बचे थे, वो अब आपके पास बहुत सारे दिन आ चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनको पढ़िए, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसके जरिए आप लोग बोर्ड एग्जाम में और भी अच्छा मार्क ला सकेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी तैयारी बनाए रखें, ठीक है। जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए फिजिक्स है, ठीक है, उसके बाद में केमिस्ट्री है, हिंदी इंग्लिश है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश, जो भी आपका और सब्जेक्ट है, देखिए, इन सभी में जो भी आप सोचते थे कि मैं इसमें 80 लाऊं, इसमें 85 लाऊं, इसमें 90 लाऊं, ठीक है, तो आप लोग इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़िए, पीडीएफ को जो मैं प्रोवाइड कराता हूं उनको भी देखिए, क्योंकि स्टूडेंट आप पढ़ते रहिए निरंतर, क्योंकि जो आपका मार्क है वो और भी आगे बढ़े, ठीक है। अगर आप लोग 80% सोच कर रखे थे तो आप 85-90 तक पहुंचे, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सबको निरंतर पढ़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय, उन सभी को पढ़ लीजिए। जो चीजें आपके जो चैप्टर्स छूटे थे उन चैप्टर्स को पढ़ लीजिए, ठीक है, जो आपके पास समय है उसमें आप लोग उन चैप्टर्स को पढ़िए, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़िए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। आप देखिए, सेकेंड मैं यही कहूंगा कि आप लोग क्या कीजिए, जो आपका समय है, ठीक है, जैसे आज जो 20 मई तक पोस्टपोन किया गया है, 20 मई के बाद ही आपका पेपर होगा, तो आज से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा समय है, ठीक है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और अनसॉल्व पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें सभी सब्जेक्ट का, ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और अनसॉल्व पेपर आप लोग सॉल्व करना है, ठीक है। अनसॉल्व पेपर में कई आपको सॉल्व पहले भी करा चुका हूँ, तो आप लोग उनको भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी आपको सॉल्व करना है।
तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश बायो जो भी आपका सब्जेक्ट है सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अगले सत्र में और जो अनसॉल्व पेपर है उन सभी को सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री है इसमें आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे भी होंगे जिनको अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया होगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए उन सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाए कि जैसे ही पेपर आपके हाथ में आए आप उनमें से जो आंसर है उसको लगातार लिखते हुए चले जाएं बिना किसी रुकावट के। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से अब तैयारी कर लेनी है, आपको और भी अच्छे से तैयारी करनी है, आपको समय बहुत ज्यादा मिल चुका है क्योंकि कोरोना वायरस जो है इसके कारण आपका जो एग्जाम है वो पीछे जा चुका है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहेंगे कि चलिए बोर्ड एग्जाम जब आएगा तो 10-20 दिन जब बचेगा तो अच्छी तैयारी हो जाएगी, अभी समय बहुत टाइम है, अभी बहुत समय है, लेकिन कुछ भी समय नहीं है। देखिए आप और अच्छी तैयारी कीजिए, आप टॉपर बनने की कोशिश कीजिए क्योंकि टॉपर्स जो होते हैं उनके पास भी दो हाथ होते हैं, दो कान होते हैं, ठीक है, यही होते हैं जो आपके पास हैं। तो आखिर आप क्यों नहीं कर सकते, आप टॉपर क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि इसी समय को टॉपर जो है अच्छे से यूज करते हैं, जो समय आज आपको मिला है इस समय को टॉपर्स अच्छे से यूज कर लेते हैं और जो बच्चे यूज नहीं करते हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं 70-75%। ठीक है, तो आपको इसी समय को जो आपको मिला है इसी को अच्छे से यूज करना है ताकि जब भी आपका एग्जाम हो तो आप एक योद्धा बनकर खड़े हों और अच्छे से अच्छा मार्क अचीव कर सकें। ठीक है, जो आपने नोट्स बनाया है, मान लीजिए आपने नोट्स बनाया होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिसका भी आपने नोट्स बनाया है उसको निरंतर पढ़ते रहिए, सुबह उठिए उसको पढ़िए। ठीक है, क्योंकि उसको पढ़ने से होगा क्या कि आपको एक ही घंटे में, जैसे मान लीजिए आपने नोट्स बनाया है उसको अगर आप निरंतर पढ़ रहे हैं तो बहुत जल्दी आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो नोट्स अगर आपने बनाया तो बहुत अच्छी बात है, उस नोट्स को लगातार और निरंतर पढ़ते रहिए। ठीक है, तभी आपका आगे बेनिफिट होने वाला है। अब एक मैं आपको बोनस टिप्स दे देता हूं यहां पर जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो अभी भी समय है, आप सुधार दीजिए। ठीक है, देखिए आपको जो है आपका जो एग्जाम है पोस्टपोन हो चुका है, आप चाहें तो डेली एक एक दो दो पेज लिखकर, जिस सब्जेक्ट में आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है उसमें आप एक एक दो दो पेज डेली लिखें। ठीक है, और सुधारें, अपनी राइटिंग सुधारने की कोशिश कीजिए क्योंकि जो आपकी राइटिंग है, ठीक है, राइटिंग जो है आपकी ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2-3% जो है आपके मार्क को बढ़ा सकती है, जो आपकी राइटिंग है, ठीक है, 20-25 नंबर को बढ़ा सकती है राइटिंग आपकी। तो लिखावट आपकी अच्छी होनी चाहिए। देखिए अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं आता है, आप लोग ज़्यादा तैयारी नहीं किया तो आपकी राइटिंग अच्छी है, आप स्टाइल से और अच्छे से लिख देंगे, थोड़ा बहुत अगर जानकारी है तो आप अच्छे से लिख देंगे अच्छी लिखावट से तो आपको अच्छा नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर एक एक वर्ड नहीं चेक करता है क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता है, वो जो है कॉपी बहुत सारी चेक करनी होती हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आपकी लिखावट अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो अभी भी समय है, आप लोग सुधार लीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको इस समय डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको अपनी तैयारी को और भी अच्छे से करना है ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस अचीव कर सकें क्योंकि बहुत ज्यादा समय आपको मिल चुका है, आप इस समय को सही से यूज कीजिए ताकि यही जो आपका समय है वो बोर्ड एग्जाम में रंग लाए और बोर्ड एग्जाम में आपको टॉपर बना सके। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये टिप्स जो मैंने इस वीडियो में बताया, कुछ इस प्रकार से अगर आप लोग काम करेंगे तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में गारंटेड है कि अच्छा मार्क लेकर आएंगे। ठीक है, जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं या जो बच्चे अच्छे से तैयारी किए हैं उन बच्चों के लिए भी ये टिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी पढ़ते रहना चाहिए क्योंकि जो बच्चे बहुत पढ़े हैं सोच रहे हैं कि हमारा जो एग्जाम है वो 8 मई से ही होना चाहिए था। देखिए ठीक है, बहुत सारे कमेंट आए कि सर 8 मई से एग्जाम होना चाहिए था, तो देखिए ये अपने बस में नहीं है। ठीक है, 8 मई से मैं भी कहता हूँ एग्जाम होना चाहिए था, लेकिन कुछ परिस्थितियां जो 8 मई से नहीं होने थी जैसे कोरोना वायरस, तो 8 मई से वो एग्जाम नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको पोस्टपोन कर दिया गया, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमें और तैयारी करने का मौका मिला, हम और भी अच्छे से तैयारी करेंगे। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर एग्जाम कैंसिल हो जाना चाहिए था, ठीक है, बट ये गलत सोच है। ठीक है, अब हो जाए ये मुझे मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये गलत सोच है क्योंकि कैंसिल हो जाने से अच्छा नहीं है। देखिए कुछ बच्चे इसमें बहुत तेज हैं, ठीक है, कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत ही फास्ट हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे वीक हैं।
अब उन दोनों में फर्क क्या रह जाएगा, ठीक है, दोनों को लगभग सेम नंबर दे दिया जाएगा। जिन बच्चों ने मेहनत किया, जिन्होंने सोचा मेरी मैरिट आगे चलकर बनेगी, उनको भी उतना ही नंबर, जिन बच्चों जो बच्चे कमजोर हैं उनको भी उतना ही नंबर, तो ये अच्छा नहीं होगा। ये आपको आगे चलकर जो आपकी सर्विस लगेगी, नौकरी मिलेगी आपको, उसमें दिक्कत दे सकती है, ठीक है। जो जो अपने मेहनत से नंबर लाएंगे वही अच्छा होता है, वही आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, ठीक है, तो ये ठीक नहीं है। तो देखिए 8 मई से एग्जाम होना चाहिए था, तो ये हमारे बस में नहीं है, कैंसिल हो जाना चाहिए, ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये सब आपके क्वेश्चंस के कुछ आंसर थे जो मैंने आपको इस वीडियो में दिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।